नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GRV स्टडी में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो हम शुरू करते हैं आज का अगला लेक्चर, जिसमें हम एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे रीजनिंग के, जिसका नाम है कैलेंडर। दोस्तों, कैलेंडर से हमारे एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और यह इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, जो कि हम इसके क्वेश्चन 30 सेकंड या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट में सॉल्व कर सकते हैं और इसका हर एग्जाम में दो क्वेश्चन का वेटेज होता है, इसलिए कैलेंडर को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कैलेंडर में लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या होते हैं। तो दोस्तों, लीप ईयर लीप ईयर इसको इसमें हमारे 366 दिन होते हैं और हमारे जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें हमारे 365 दिन होते हैं। दोस्तों, हमारा जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन नॉर्मल ईयर से ज़्यादा होता है और लीप ईयर में हमारे टोटल 52 वीक प्लस 2 डेज और नॉर्मल ईयर में हमारे 52 वीक प्लस 1 डे। दोस्तों, ये हमारे लीप ईयर हो गए और नॉर्मल ईयर हो गए और हमारा जो एक सौर वर्ष होता है, दोस्तों हमारा एक सौर वर्ष वह बराबर होता है 365 दिन 365 डे 5 आवर 48 मिनट 47.5 सेकंड। या दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं 365.2422 डे। ये हमारा एक सौर वर्ष होता है। दोस्तों, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है एक सौर वर्ष कितने दिन के बराबर होता है। दोस्तों, तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे हमारा एक सौर वर्ष 365.2422 दिन के बराबर होता है। दोस्तों, अब दोस्तों हम पता करेंगे कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं और नॉर्मल ईयर कैसे पता करते हैं, कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में डिफरेंस कैसे करते हैं कि ये हमारा लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो दोस्तों, अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे हाउ टू फाइंड लीप ईयर। लीप ईयर कैसे निकालें? दोस्तों, लीप ईयर हमारा हर चार साल में एक बार आता है। हमारा हर चार साल में कितनी बार आता है दोस्तों? एक बार। और अगर किसी ईयर को हमको पता करना है वो लीप ईयर है या नहीं है, तो उसको चार से डिवाइड कर देंगे। अगर वो पूरी तरह से कट जाता है, रिमाइंडर में जीरो आता है, शेषफल जीरो आता है, तो हमारा वह साल लीप ईयर कहलाएगा। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो वह हमारा नॉर्मल ईयर रहेगा। जैसे दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1984। अब पूछ लिया 1984 हमारा लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको चार से भाग देंगे। दोस्तों, 1984 हमारा चार से पूरी तरह से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर में हमारा जीरो आ गया। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया, 1984 हमारा क्या हो गया, ये लीप ईयर हो गया। और अगर ऐसा कोई ईयर ले, 1986 हमने ले लिया,
इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो दोस्तों यहाँ हमारे रिमाइंडर में हमारा 2:02 आ रहा है। जो रिमाइंडर में अगर 2 आ रहा है तो हमारा ये पूरी तरह से कटा नहीं 4 से। इसका मतलब क्या हुआ, 1986 हमारा क्या हो गया, नॉर्मल ईयर। इस तरह हमने दोस्तों ये निकाल लिया कि हमारा लीप ईयर कैसे निकालते हैं और नॉर्मल ईयर का कैसे पता करते हैं। अब दोस्तों कभी भी आपके लिए क्वेश्चन आया कि ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस निकालना कि कौन सा नॉर्मल ईयर है और कौन सा लीप ईयर है, तो हम डायरेक्टली 4 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। अब दोस्तों ये तो हमको सीधे एक साल का निकालने के लिए आया। अब ऐसे कभी पूछ लिया कि शताब्दी वर्षों में, जैसे 2000 हमारा नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, या फिर 400, 300, इस तरह से शताब्दी वर्षों में अगर हमारा पूछ लेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों शताब्दी वर्षों के लिए क्या होता है, जिससे हमारा ये पहला पॉइंट हो गया इसका। अब ये हमने दूसरा पॉइंट स्टार्ट किया शताब्दी वर्षों के लिए, सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष या इसको बोल देंगे सेंचुरी ईयर निकालने के लिए, कि जो हमने सेंचुरी ईयर हमको दिया होगा वो नॉर्मल ईयर होगा या लीप ईयर होगा। जैसे सेंचुरी ईयर में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम 400 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 400 से। अभी तक हमने क्या किया, जैसे नॉर्म हमको कोई एक ईयर दे दिया 1984 या 2004, 2005, उसमें हम डायरेक्ट 4 से भाग देकर निकाल लेते थे। अगर रिमाइंडर 0 आता था तो हम उसको लीप ईयर बोल देते थे। लेकिन जब सेंचुरी ईयर आ गया, जैसे 1600 साल या 2000, ऐसे में हमारा अगर आ गया तो इसमें हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसमें हम सीधे 400 से डिवाइड करेंगे। जैसे 2000, अब इसको हमको पूछ लिया कि ये हमारा लीप ईयर है या नहीं, तो 2000 में हमको क्या होगा, 400 से हम भाग देंगे दोस्तों, ये हमारा पूरी तरह से कट गया, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो दोस्तों ऐसे हम अब हम ये कह सकते कि ये हमारा शताब्दी वर्ष जो है ये लीप ईयर है। इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल लेके जब हमारा शताब्दी वर्षों में दिया रहेगा तो उसका भी पता कर लेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं। ऐसे हम दोस्तों अब नॉर्मल ईयर और लीप ईयर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसी तरह से इजीली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम कैलेंडर के अगले टॉपिक पर आते हैं, ऑड डे निकालना। ऑड डे दोस्तों क्या होता है, ऑड डे हमारा होता है कि जैसे अगर हमको दे दिया 8 दिन, 8 दिन में दोस्तों क्या हो गया हमारा, 7 दिन का हमारा एक हफ्ता होता है, 7 दिन का हमारा एक हफ्ता होता है। एक हफ्ते के बाद कितना दिन एक्स्ट्रा हुआ, 1 दिन, तो उसमें हम कह सकते हैं हमारा 1 दिन का ऑड डे हो गया। जैसे अगर हमारा आ गया 15 दिन, तो 15 दिन में दोस्तों हमारा क्या हुआ, 2 हफ्ते हमारे ऐसे ही निकल गए जो हमारे कंप्लीट कंप्लीट वीक आ गए। हमारा कितना दिन रिमेनिंग बचा, 1 दिन, तो ये हमारा जो एक बचेगा वो ऑड डे कहलाता है दोस्तों, ये हमारा सिंपल ऑड डे। तो ऑड डे का इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ऑड डे हमारा 0 से लेकर के 6 तक ऑड डे हो सकते हैं मैक्सिमम। ये भी हमारा एक क्वेश्चन होगा कि ऑड डे कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, तो ऑड डे हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ज़्यादा हमारा ऑड डे कभी नहीं हो सकता दोस्तों। अब हमने ऑड डे निकालना सीखा। अब ऑड डे में हमारे से अगर हमको पूछ लिया कि लीप ईयर में कितने ऑड डे आएंगे या नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे आएंगे, तो सिंपली दोस्तों हमारा क्या काम है, कितने हमारे वीक निकलेंगे उस वीक को अगर हमने हटा दिया। अब वीक टोटल कंप्लीट वीक कितने आएंगे, अगर कंप्लीट वीक के बाद हमारे जितने दिन रिमेनिंग बचते हैं वो हमारे कहलाते हैं ऑड डे। जैसे लीप ईयर में अगर पूछ लिया, लीप ईयर में हमारा पूछता है दोस्तों, तो लीप ईयर में हमारे टोटल कितने दिन होते हैं, 366 डे। अब हमको इसमें से निकालना है कि अगर टोटल वीक के अलावा कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो हम इसमें करेंगे क्या, हमारा एक वीक 7 दिन का होता है, अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा, एक बार डिवाइड करते हैं, हमारा 52 आ गया कटने के बाद, और रिमेनिंग कितना बचा दोस्तों, 2।
रिमाइंडर में, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया दोस्तों, दो। तो जो ये रिमाइंडर आएगा यही हमारा रिमाइंडर क्या कहलाता है दोस्तों, ऑड डे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमको क्या पता चला कि लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं दोस्तों, दो ऑड डे। अब इसी तरह एक नॉर्मल ईयर ले लेते हैं, तो अगर नॉर्मल ईयर हम लें उसमें कितने दिन होते हैं दोस्तों, 365 डे, 365 डे होते हैं। अब 365 को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा अब रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, एक। अब एक रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल ईयर में हमारे कितने ऑड डे हो गए, एक। इस तरह हमने निकाल लिया कि लीप ईयर में कितने ऑड डे हो गए, नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे हो गए। इसको हम एक नोट के रूप में लिख लेंगे क्योंकि ये हमारा आगे काफ़ी यूजफुल होगा। तो नोट में हम लिखेंगे दोस्तों, लीप ईयर में ऑड डे कितने हो गए, दो। नॉर्मल ईयर में ऑड डे हो गए दोस्तों हमारे, एक। अब दोस्तों ये हमारा लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का आ गया। अब हम देखेंगे कि महीनों की मंथ, एक मंथ में कितने ऑड डे पड़ते हैं। तो अगर हमारा मंथ 31 दिन का होता है, 31 डेज का, तो इसमें अगर ऑड डे निकालना हुआ तो 31 डिवाइडेड बाई 7, इसमें हमारा रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 3। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर में अगर हमारा 3 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 ऑड डे। अगर 31 दिन का महीना होगा तो हमारा ऑड डे 3 आएगा। वहीं अगर 30 दिन का महीना होगा, 30 डेज का, तो 30 डेज का महीना अगर होगा तो 7 से फिर डिवाइड करेंगे। अब कितना आया दोस्तों हमारा, 28 से हो गया, 2 रिमाइंडर बचा। अगर 2 रिमाइंडर बचा तो कितने हमारे ऑड डे हो गए 30 डेज वाले मंथ में, 2 ऑड डे हो गए। अब दोस्तों हम बात करेंगे लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में। लीप ईयर में हमारा जो फरवरी का महीना होता है, जो हमारा फरवरी का महीना होता है उसमें हमारे होते हैं दोस्तों 29 डेज, और जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें हमारा जो फरवरी का महीना होता है उसमें होते हैं हमारे 28 डेज। अभी फिर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, एक। यानी कि यह हमारा ऑड डे हो गया फरवरी के महीने में, जब हमारा लीप ईयर रहेगा। और जब नॉर्मल ईयर आएगा इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। यह हमारा ऑड डे आ गया नॉर्मल ईयर के केस में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सीखा कि फरवरी में अगर हमारा 29 का महीना है तो हम ऑड डे एक आ गया, हमारा अगर नॉर्मल ईयर उसमें 0 आ गया। तो दोस्तों अब हम एक नोट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कि कौन से मंथ में कितना ऑड डे पड़ता है दोस्तों। तो हम इसके लिए लिखेंगे दोस्तों ऑड डे हमारा कितना पड़ता है। तो हम इसमें सबसे पहले एक नोट लिखेंगे, उसके बाद में मंथ लिखेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गए हमारे टोटल 12 महीने। अब इन 12 महीने में हमारे जनवरी में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 31 दिन। फरवरी में अगर हमारा नॉर्मल ईयर है तो 28, और अगर हमारा लीप ईयर है तो 29 डे। मार्च हमारा 31 का हो गया दोस्तों, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, और दिसंबर हमारा 31 का हो गया। अब दोस्तों इसमें हमको ऑड डे अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, 31 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जितना आएगा वो हमारा ऑड डे हो गया। तो ऊपर लिख देंगे ऑड डे,
8 डे, और हमारा अगर जनवरी में कितने हो गए दोस्तों, 3। फरवरी में अगर नॉर्मल ईयर है तो 0, और अगर लीप ईयर है तो 1। इसी तरह मार्च में हमारे कितने आ गए दोस्तों, 3। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में हमारे 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। इस तरह हमने निकाल लिया 8 डे। ये हमारे हो गए टोटल मंथ के 8 डे। ये हमारा एक नोट हो गया है। इसको हमको क्या करना है दोस्तों, याद नहीं करने की ज़रूरत है। इतना हमको पता है कि जनवरी में 31 का महीना होता है, फरवरी हमारा 28 का नॉर्मल में होता है, और लीप ईयर में 29 का होता है, मार्च हमारा 31 का होता है। बाकी सारे मंथ का तो हमको पता होता है, बस फरवरी में लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कब 29 का महीना है या कब 28 का महीना है। तो दोस्तों इसमें भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हमने अभी पहले ही आपको बताया। अगर हमारा 29 या 30 का महीना हमको पता करना, अगर हम 4 से उस ईयर को डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर 0 आता है तो लीप ईयर हो जाता है, हमने पहले यहाँ पर सीख लिया है। तो अगर किसी में कन्फ्यूजन होता है कि फरवरी हमारा 29 का महीना है या 28 का महीना है, तो हम उस ईयर को 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो हमारा 29 का महीना हो गया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो हमारा 28 का महीना हो गया। दोस्तों हमने यहाँ पे पहले ही सीख लिया लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करना है। हमारा ये नोट तैयार हो गया। अब इस नोट के बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं कि शताब्दी वर्षों में कितने ऑड डे होते हैं। जैसे अब हम इसमें भी एक बनाएंगे शताब्दी वर्ष, उसके बाद में हमारे ऑड डे। हमारा शताब्दी वर्ष जैसे 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल, ये हो गए हमारे दोस्तों शताब्दी वर्ष, 100, 200, 300, 400। अब इसमें हमको ऑड डे निकालना है। अब इसमें ऑड डे निकालने के लिए हमारा एक है, 100 साल में हमारे कितने ऑड डे आएंगे दोस्तों, 5, और 200 साल में हमारे आएंगे 3, 300 साल में आएंगे 1, 400 साल में आएंगे हमारे 0। अब दोस्तों ये हमारा आ गया 53-10। ये हमारा एक कोड होगा जिसको हमको याद करना रहेगा ताकि हम क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि अब हम चल के इसको सॉल्व करें, शताब्दी वर्ष में कितने ऑड डे आते हैं या नहीं आते। हमको सिंपली याद होना चाहिए 53-10, 100, 200, 300, 400। तो डायरेक्टली हमको जहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन होगा वहाँ पर हम सीधे यूज कर लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हमने जितना सीखा अभी आज, उसके लिए हम 2-4 क्वेश्चन लेते हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 15 अगस्त 1947। अब इसको हमें सॉल्व करना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा दोस्तों, जो हमको डेट दिया रहेगा, जैसे ईयर हमको दिया 15 अगस्त 1947, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, एक यहाँ पे लाइन खींच के यहाँ इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1947 हमको दिया हुआ है, अब हमको पता 1947 में से 1 माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे 1946। इसलिए यह हमारा 1946 हमने इसलिए लिखा क्योंकि अभी हमारा 1947 कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है। कितने साल पूरे हुए हैं टोटल कंप्लीट, 1946 साल, और 1947 अभी हमारा चल रहा है। तो हमारा काम क्या हुआ, पहले जितने कंप्लीट हो चुके हैं ईयर वो हमने नोट डाउन किया 1946। अब हमारा काम क्या हुआ 1946 के बाद में, अब हम इसको अलग अलग चीज़ में अलग अलग डिवाइड करेंगे। 1900 में हमारा कितने हो गए, 1600, 300 और लास्ट में 46। अब हम टोटल जोड़ लें, 16 3 19 और 46, यानी 1946 ये हमारे आ गए। अब 1600 में हमने बताया 1600 हमारा कौन से आएगा, 400 का, जो हमारा 400 का में आएगा ऑड डे वही हमारा 1600 में आएगा, क्योंकि 4 का अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारा टोटल आएगा निकल के 0। तो यानी कि 1600 में हमारे कितने ऑड डे हो गए दोस्तों, 0। और 300 में हमने ऑड डे भी लिखा था ऊपर, कितने हो गए, 1।
अब हमारा बाकी कितना ईयर बचा, 46। अब 46 ईयर जो हमारा बचा, इसको दोस्तों हम पहले दो पार्ट में अलग अलग करेंगे इसमें, क्योंकि अब पता करेंगे हमारे 46 ईयर में कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं। ये पता करने के लिए 46 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हमने 46 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा कितनी बार कंप्लीट किया, 11 बार। जब 11 बार हमारा कंप्लीट गया तो ये हमारे आ गए हैं लीप ईयर, 11 लीप ईयर। बाकी कितने रिमेनिंग हमको ईयर बचे, 46 माइनस 11 यानी 35, ये हमारे हो गए नॉर्मल ईयर। अब दोस्तों ये हमारे 11 लीप ईयर आ गए, 35 नॉर्मल ईयर। अभी हमने पिछले इसके पहले हमने डिस्कस किया कि लीप ईयर में हमारे कितने ऑड डे होते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2, और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 1। तो लीप ईयर में हमारे ऑड डे हो गए 2, यानी कि जब 2 ऑड डे हो गए तो 1 लीप ईयर में, तो 11 लीप ईयर में कितने ऑड डे हो गए दोस्तों, 22। और नॉर्मल ईयर में 1 होते हैं तो हमारे टोटल इसमें नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे हो गए, 35। ये हमने निकाला 1946 तक में कितने ऑड डे होंगे, तो यह हमारे टोटल यहाँ पे 1946 साल तक में हमारे ऑड डे निकल के आ गए। अब दोस्तों हमारा जो 1947 में हमारा कितना मंथ बीत चुका है, तो हमारा जनवरी बीत चुका है, फरवरी भी बीत चुका है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब देखिए दोस्तों, जिस मंथ का हमको डेट दिया रहेगा निकालने के लिए, उस मंथ का हम कभी भी डायरेक्ट वो नहीं लिखेंगे कि इसमें ऑड डे 2 या 3। जितना डेट हमको उस मंथ का दिया रहेगा डायरेक्ट हम उस मंथ का डेट लिख लेंगे, 15 अगस्त। या अगस्त में हमारा कितना हो गया दोस्तों, डायरेक्ट 15। हम कभी भी ये नहीं करेंगे अगस्त में हमारा 3 होता है तो हम 3 लिख दें, नहीं। अगर हमको यहाँ पे अगस्त की जगह पे जुलाई दिया होता तो जुलाई में हम 0, 2 या 3 नहीं लिखते, जुलाई में सीधे हम 15 लिख देते हैं। जैसे जनवरी में हमारे कितने ऑड डे हमने अभी पीछे पढ़ा, 3। इसको भी याद नहीं करना दोस्तों, सिर्फ हमको मंथ याद करना कि इस मंथ में इतने दिन होते हैं, ये तो आपको पता ही है। आप इसको ऐसे भी करके याद कर सकते हैं, जैसे लोग देखते हैं ये हमारा जनवरी, जो हमारा ऊपर आएगा वो हमारा आएगा 31 का महीना, और जो नीचे पड़ेगा वो 30 का महीना। इसको भी हम ऐसे अपने हाथों से ही याद कर सकते हैं, इसको हमको भी रटने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी यहाँ से हम लेके स्टार्ट करते हैं, जनवरी 31 का, फरवरी 29 या 28 का, मार्च 31, मई अप्रैल 30, मई 31। इसी तरह हम सारे 12 महीने अपने हाथ पर काउंट करके याद कर सकते हैं, जो हमारा ऊपर आएगा वो हमारा 31 का, जो नीचे पड़ा उसको हम 30 का ले लेंगे दोस्तों। ये नॉर्मली हम निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हमने जनवरी में 3 लिख लिया, अब बात फंसती है यहाँ पर, लोगों से प्रॉब्लम होती है कि फरवरी में हम 1 लिखें या 0 लिखें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1947 को हम डायरेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं, 4 से कट रहा है कि नहीं, 4 से अगर हम भाग देंगे तो कभी भी ये 4 से कम्प्लीटली नहीं कटेगा। एक बार यहाँ भाग देख के देख लेते हैं, 1947 4 से भाग दिया हमने, यहाँ रिमाइंडर में हमारा 3 बच रहा है, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारा नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर फरवरी में हमारा 28 दिन का होता है, तो रिमाइंडर कितना गया, 0। अब मार्च हमारा 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3। अब दोस्तों ये हमारे टोटल ऑड डे निकल के आए, और जिस मंथ का हमको डेट पूछेगा वो हम डायरेक्ट मंथ का डेट लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, टोटल कितने ऑड डे होंगे इसको ऐड कर लेंगे। जैसे हम इसको ऐड करेंगे, 3, 3, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि ये हमारा टोटल हो गया 31 डे, इतना निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल ऑड डे लिखेंगे, टोटल ऑड डे। टोटल ऑड डे हमारा कितना हो गया, 22 प्लस 35 प्लस 31। अब दोस्तों कभी भी यहाँ पर
जो हमारा ऑर्डर आया है इसको लिखना मत भूलिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम जल्दबाजी में हमको डायरेक्ट जो हमको नीचे दिख रहा है कि हमने इसको इसको लिख दिया, लेकिन हमारा एक ऑर्डर यहाँ पे भी है, इसको भी जोड़ेंगे। कभी भी ये ना करिए कि इसको भूल जाइएगा, अगर इसको भूल जाएंगे तो आपका आंसर हमेशा गलत ही आएगा, और उस क्वेश्चन के ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका दिया रहेगा कि हाँ ऐसा गलती आप जनरली करते ही हैं, और आंसर आपको उसका मिल जाएगा और आप टिक करके आएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो दोस्तों ये मिस्टेक कभी ना करें। तो दोस्तों अब हम इसको ऐड करें तो हमारा कितना आ गया, 89 डिवाइड आ गया। अब 89 हमारा जब आ गया दोस्तों, अब हम टोटल ऑड डे आ गया। अब ऑड डे में हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हमारा ऑड डे को हम 7 से डिवाइड करते हैं। अब हम इसको 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर में दोस्तों कितना बचा हमारा, 5। और जब रिमाइंडर में हमारा 5 आ गया, अब दोस्तों हम एक चीज याद करेंगे, हमारा हमने अभी यह आगे बताया था आपसे कि मैक्सिमम कितने ऑड डे हो सकते हैं। तो मैक्सिमम हमने बताया था आपको कि 6 ऑड डे हो सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि 6 ऑड डे मैक्सिमम कभी भी हो सकते हैं। और इस तरह जब हम निकालते हैं जो ऑड डे आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम जो अगर हमारा ऑड डे 0 निकल कर आया तो वो हमारा कहलाता है संडे, 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, 5 आया फ्राइडे, और 6 आया तो सैटरडे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारा रिमाइंडर कितना आया, 5। तो हमको पता है 5 पे हमारा कितना आता है, फ्राइडे। यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा दिन था दोस्तों, फ्राइडे। यानी कि हमारी जब आज़ादी हुई उस वह दिन हमारा कौन सा था, फ्राइडे। एक क्वेश्चन और लगाते हैं इस पे, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम अगर कोई ईयर और डेट दिया हो उसका दिन हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। जैसे अब कोई लेटेस्ट हम लेके चलते हैं दिन का, जैसे हम लेटेस्ट में ले लिया 29 मार्च, 29 मार्च 2018। में हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम जितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं वो लेंगे। तो कितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, 2017 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। 2017 में हमारा काम क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले हमने 2000 लिखा और फिर 17 को अलग लिखा। जैसे 2000 हमारा 400 के मल्टीपल में आ रहा है, तो 400 में हमको पता है कि कितने ऑड डे होते हैं, 0। जैसे हमने याद किया था 53, 10 हमने याद किया था। 5 हमारा था 100, 200, 300, 400। अब 400 के मल्टीपल में आया हमारा 2000, तो यानी 2000 में कितने ऑड डे हो गए, 0। अब जो हमारा 17 बचा, अब इसको 17 को हमने 4 से भाग दिया तो कितनी बार कंप्लीट जाएगा, 4 बार। तो 4 बार कंप्लीट चला गया तो हमारा 4 हमारा हो गया ये लीप ईयर। बाकी कितने बचे, 13। ये हमारे 13 क्या हो गए दोस्तों, नॉर्मल ईयर। अब एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं तो 4 लीप ईयर में 8 ऑड डे, एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है तो 13 नॉर्मल ईयर में 13 ऑड डे हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जनवरी लिखेंगे, फरवरी लिखेंगे और मार्च लिखेंगे। जनवरी में हमको पता है 3 ऑड डे, फरवरी अब यहाँ पे फिर से फंस गया कि 2018 हमारा लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2018 को हमने 4 से भाग दे दिया रिमाइंडर में हमारा 2 आ गया, यानी रिमाइंडर बच रहा, तो मतलब ये हमारा नॉर्मल ईयर हो गया, नॉर्मल ईयर में 0। अब मार्च में हमारा क्या हो गया दोस्तों, कितना डेट दिया हुआ है, 29। अब इसमें हम नहीं लिखेंगे मार्च में हमारा 3 हो गया, नहीं, मार्च में जो जिस मंथ का हमको डेट दिया रहेगा वो डेट पूरा लिखेंगे। अब हम इसको टोटल ऐड करते हैं, हमारा ये कितना हो गया, 32। और बाकी यहाँ पर ऑड डे निकल रहा है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल ऑड डे लिखेंगे। टोटल ऑड डे हमारा क्या होगा, 32 + 8 + 13, ये हमारा कितना आ गया दोस्तों,
अब टोटल 53 ऑड डे आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। हमारा कितना बचा रिमेनिंग में, 4। रिमाइंडर में अगर हमारा 4 बचा तो हमने अभी देखा था 0 से लेकर के 6 तक गए थे, और कहाँ से स्टार्ट किया था, संडे से लेके सैटरडे तक। अब हमको ये नहीं करना कि उसको याद करना है, रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हमको रटना नहीं है। 0 से लेके हमारा 6 तक होता है, तो हमको रटना नहीं है। 1 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी हमारा 4 जो होगा वो थर्सडे होगा, या इसको बृहस्पतिवार। इसी तरह से हमको कोई भी डेट दे दे कि इस डेट को कौन सा दिन था, इस डेट को कौन सा दिन था, किसी का भी डेट आप निकाल सकते हैं कभी कभी हो। बहुत सारे लोग बहुत से कोड याद कराते हैं कि इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए जनवरी का अलग कोड, फरवरी का अलग कोड, मार्च का अलग कोड याद करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा बिना किसी कोड के याद किए हुए सिंपली, अगर आपको इस सब क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको इसको प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, कम से कम आप इसको 5 से 10 क्वेश्चन अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये सब क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा इतना करने में, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और इसमें आपकी गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। कोड का आपको कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस होता है हमारे पास कि कोड हम भूल जाते हैं, तो जब कोड भूल जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पे हमारा गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। और ऐसे निकालेंगे तो आपको कोई भी कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सीखा कि कभी भी कोई भी डेट और ईयर दे दिया, कैसे निकालेंगे हम उसका दिन, लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है, ऑड डे क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखी। और अगले वीडियो में दोस्तों कैलेंडर के अगले पार्ट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।